Let's start reading 7th problem. An unoccupied 1200 kg car has coasted down a hill and is moving along a level road at 10 meter per second. This is 1200 kg car. डाउनहिल आने के बाद लेवल रोड पर 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है और 6000 केजी ट्रक 6000 किलो का ट्रक है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड्स हेड ऑन विथ इट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक If both vehicle comes to stop after collision, बड़ा साधारण सा सवाल है तो दोनों टकराने के बाद बिल्कुल रेस्ट पर आ जाते मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए इनिशियल टोटल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है 1200 × 10 दिस मोमेंटम ऑफ कार 6000 × v दिस इज द वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ ट्रक This initial momentum. This must be equal to final momentum. Finally, dono takra ke rest par jate, matlab final momentum zero. So, V is equal to minus 2 meters per second. Negative sign simply suggests us that truck would be moving in opposite direction. Fourth problem. The collision considered in previous problem. तुम जरा previous problem पढ़ना ही पड़ेगा. Third problem भी पढ़ना ही पड़ेगा. इसका मतलब उसको. The object of mass m1, initial velocity v1. यह object mass m1, initially velocity v1, undergo elastic head-on collision with another object of mass m2. That is at rest. This is at rest. What is the result of collision? How does the result of collision depend on M1 and M2? ये हमको और भी पता है इलास्टिक कोलेशन के लिए. इलास्टिक कोलेशन के लिए हम क्या करेंगे? V1 plus 0 is equal to final velocity V1 dash plus V2 dash. Or M1 V1 plus M2 into 0 is equal to M1 V1 dash. प्लस m2 इंटू v2 डैश दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी दोनों को सॉल्व कर देंगे तो v1 डैश और v2 डैश हो जाएगा एनीवे अब हम फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं फॉर द कोलिजन कंसीडर इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इनिशियली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियली मूविंग ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन फाइंड द फॉर द कोलिजन कंसीडर इन प्रीवियस प्रॉब्लम Find the ratio between kinetic energy transferred to initially stationary object and kinetic energy. ये तो वही वाला सवाल हुआ जो club head और golf stick वाला सवाल कराया मैंने कि कितनी kinetic energy पहला mass दूसरे mass को transfer करेगा कितना fraction transfer करेगा इसे यदि solve कर लिया है तो automatically हो जाएगा देखिए इधर हमने लिखा था v1 is equal to v1 dash plus v2 dash इसको M1 से डिवाइड कर दे V1 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस M2 बाय M1 इंटू V2 डैश अब मैं क्या करता हूं V1 और V1 को इक्वेट कर देता हूं V1 डैश प्लस V2 डैश V1 dash plus V2 dash equal to V1 dash plus M2 by M1 into V2 dash.
इस तरह से हमें Let's solve it. V1 equal to V1 plus V2. Initial plus final of first karna tha. Maine idhar galti equation galat likh di. Pehli wali equation galat likh di. I'm sorry. Initial plus final of first is equal to initial plus final of second. Ab main ise M1 से डिवाइड कर देता हूं तो यह हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस M2 बाय M1 इंटू V2 डैश. दूसरी इक्वेशन को M1 से डिवाइड कर दिया. अब मैं क्या करता हूं, फाइनल ऑफ फर्स्ट को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं. ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखी, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो v1 डैश कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2v1 इज इक्वल टू 1 प्लस m2 बाय m1 इंटू v2 डैश. सो v2 डैश कम्स आउट टू बी 2v1 अपॉन 1 प्लस M2 by M1. यह V2 डैश आ गया, हो गया प्रॉब्लम. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वन इज हाफ M1 V1 स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू हम लिख सकते हैं हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे हाफ M2 ऐसा कैसे ही और V2 डैश स्क्वायर की जगह 2V1 बाय 1 प्लस M2 बाय M1 होल स्क्वायर. अब जो हमने पूछा है उसका जवाब लिख दे. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय बॉडी 1 टू बॉडी 2. बॉडी 1 ने अपनी कितनी एनर्जी बॉडी 2 को दे दी. सो दैट वुड बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1. सीधा सीधा इक्वेशन देखने लगेगी हाफ M2 इंटू 2 बाय 1 प्लस M2 बाय M1 होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर अपॉन हाफ M1 इंटू V1 स्क्वायर. हाफ हाफ थ्रू आउट कैंसल्ड और V1 स्क्वायर भी कैंसल्ड और हमें यह रेशो दिखने लगेगा 4 M2 बाय M1 इंटू M1 स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर. सो दिस वुड बी 4 M1 M2 by M1 plus M2 whole square. This is that fraction. Answer bhale nahi dekha hai, idhar aa chuka hai. पहले इधर देखेंगे इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ सेकेंड. ये इक्वेशन इसलिए बनाई क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने ये इक्वेशन डिराइव कर रखी है. दूसरी इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू दिस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश दिस फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इन दोनों इक्वेशन को जरा तरीके से सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का तरीका यह रखना है
कि हमें बॉडी वन की फाइनल वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बॉडी वन की इनिशियल वेलोसिटी से और बॉडी टू की फाइनल वेलोसिटी से। तो क्या हमें डिटरमाइन करना है पहले से दिमाग में रखना होता है? एक दो बार, कई बार गलतियां हो जाती है, मगर तीन चार सवाल जब करोगे तो अपने आप समझ आने लगेगा कि कैसे करना है। उन्होंने हमसे यह पूछा है, बार बार सवाल को ही पढ़ते रहना पड़ता है। उन्होंने हमसे पूछा है कि बॉडी वन की कितनी एनर्जी बॉडी टू के पास जा रही है, तो बॉडी वन की इनिशियल वेलोसिटी की आवश्यकता रहेगी और कितनी एनर्जी बॉडी टू के पास जा रही है इसे समझने के लिए हमें बॉडी टू की फाइनल वेलोसिटी की आवश्यकता लगेगी। तो हमें एक तो बॉडी वन की इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और बॉडी टू की फाइनल वेलोसिटी चाहिए। बॉडी टू की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जीरो, वो रेस्ट पर है। तो अब हमने इसको तरीके से अरेंज करा, इसको मास एम वन से डिवाइड कर दिया, तो वी वन हो गया इज इक्वल टू, इधर एम वन से डिवाइड हुआ तो वी वन डैश प्लस, इधर एम वन से डिवाइड हुआ तो एम टू बाय एम वन इंटू वी टू डैश। इस इक्वेशन को ऐसा कैसे मैंने दोबारा इधर लिख दिया, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके वी वन डैश काट दूंगा। वी वन डैश मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए मैंने सॉल्व करते समय उसको काट दिया, कैंसिल करा। तो इससे मुझे ये दोनों ऐड होके टू वी वन डैश मिल गया, टू वी वन इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होके वन प्लस एम टू बाय वन इंटू वी टू डैश, वी टू डैश कॉमन आ गया। इस तरह से मुझे वी टू डैश मिल गया, वी टू डैश इज दिस, यह वी टू डैश के लिए इक्वेशन मिल गया। अब जो हमसे पूछा है वह फंडा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वन, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बॉडी वन के पास है, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, इन मास एम वन है, वेलोसिटी वी वन है। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू, बॉडी टू के पास हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर, हाफ एम टू ऐसा कैसे वी टू डैश की जगह यह एक्सप्रेशन जो हमने ऑप्टेन करा था ऐसा कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जो हमसे पूछा है कि बॉडी वन ने कितनी फ्रैक्शन एनर्जी बॉडी टू को ट्रांसफर करी, तो बॉडी टू की फाइनल एनर्जी लिख दी अपॉन बॉडी वन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दी, दिस अपॉन दिस, यह रेशियो सिंप्लीफाई कर। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग 10th प्रॉब्लम एंड विल सॉल्व इट। द कार इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, चलो 9th वाला प्रॉब्लम भी पढ़ लिया जाए जरा। 1200 केजी का, दिस 1200 केजी का ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ओवर स्टेक्स 1000 केजी कार ट्रेवलिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड, दिस 1000 केजी कार ट्रेवलिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड, इफ टू कार स्टिक टुगेदर व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी लॉस वन पर्सन। ठीक है, ये पहला वाला प्रॉब्लम तो सिंपल है, यदि दोनों स्टिक कर गई तो मास ऐड हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी बड़ी आसानी से निकल जाएगी मोमेंटम कंजर्व करके, और फाइनल वेलोसिटी निकल गई तो एनर्जी लॉस कितनी है वो भी निकल जाएगी और परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एनर्जी लॉस वो भी निकल जाएगा। 10th प्रॉब्लम पर आते हैं, द कार इन द प्रीवियस प्रॉब्लम आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे कोलाइड हेड ऑन, इफ दे स्टिक टुगेदर व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। अब देखिए ये दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं इस तरह से, ऑल्दो 10th कर दिया तो अपने आप 9th भी हो जाएगा। अब सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन के बाद दोनों जब स्टिक कर जाएंगी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट कार इज 1200 इंटू 10 प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड कार इज 1000 इंटू माइनस 8, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2200 इंटू वी, दोनों कार का मास एडअप हो गया। दोनों कार का मास एडअप होने के बाद में वेलोसिटी वी हो गई, नाउ 12000 8000
Z comes out to be. Or 4000 by 2200 or 20 by 11 meters per second. Positive direction में 20 by 11 meters per second से जाने लगेंगी. This is the final velocity. How much kinetic energy is lost? कितनी kinetic energy loss हुई? Loss of kinetic energy is initial kinetic energy minus final kinetic energy. Initial kinetic energy is half m v square plus half m v square. This is initial kinetic energy minus final kinetic energy is half m into v square. Initial kinetic energy में half mass of first car into velocity of first car, half mass of second car into velocity of second car square. This is the initial kinetic energy, total kinetic energy minus half. दोनों car चुपक गई तो दोनों masses add up हो जाएंगे और दोनों की velocity 20 by 11 whole square. This is the final kinetic energy. This would be the loss in kinetic energy. अब what percentage of original kinetic energy is this? तो percentage of loss is the loss of kinetic energy जो अभी अभी हमने निकाला है upon initial kinetic energy into 100. सारा data वहाँ पर लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसमें लगा दो, answer आएगा. Eleventh problem. जज़ाक कर दो. Although it's very much basic problem, ये जो सवाल आप पूछ रहे हो, ये काफी ज़्यादा basic level वाले हैं. They're not that much difficult. Eleventh. A 1 pound stone moving south. अब south और north ये सब दिखने लगता है तो मैं इस तरह से बनाने लगता हूँ. यह north है और यह south है. 1 pound stone moving south. यह 1 pound है. At 8 feet per second collide with 5 pound lump of clay moving west. Yaha east or yaha west. This is five pound clay moving west with velocity of 3 feet per second. Become embedded in the clay. Find the velocity in direction of the wreckage. So simple है यार, वैसे का वैसे ही सवाल है. कर चुका हूँ इस तरह के सवाल. अब easily हो जाने चाहिए. Let us say यह x-axis है और नीचे की तरफ y-axis बोल लो आप तो. तो momentum along x-axis में कहूँगा 5 into 3 plus 1 into 0. Momentum along y axis में कहूंगा 1 into 8 plus 5 into 3. Sorry, 5 into 0. थोड़ी सी गलती लिख दी मैंने.
5 into 3, 1 into 0. Or 1 into 0. Or idhar main likhunga y axis ke along. Y axis ke along 5 into 0 plus 1 into 8. Is tarah se momentum ho gaya. Momentum ko main likhta hoon px into I cap plus py into j cap. Pure system ka hai, jisme stone bhi aa gaya aur clay bhi aa gayi. Px hai 15 into I cap plus py hai 8 into j cap. This is pound feet per second. Now if they stick together, यदि ये दोनों stick कर जाएंगे, तो after collision, momentum जो कि m into v है, यहाँ constant आ जाना चाहिए. Total mass दोनों add up हो जाएंगे, 5 और 5 pound or 1 pound, 6 pound. 6 pound into V is equal to 15 into I cap plus 8 into J cap. So this V comes out to be 15 by 6 I cap plus 8 by 6 J cap. This is Vx I cap plus Vy J cap. Velocity under root of Vx square plus Vy square. So velocity is under root of 15 by 8 whole square plus 8 by 6 whole square. Dono takrane ke baad kuch is direction mein move karne lagenge. X and angle theta. Where tan theta would be Vy by Vx. Vy ki jagah 8 by 6, Vx ki jagah 15 by 6. Or tan theta is 8 by 15. It's a similar problem. I had already solved such type of problem. Right. 21st. This is 15 by 6. It's 15 by 6. Vx is 15 by 6. Now, start reading 21st problem. kg truck whose velocity is 1500 kg truck whose velocity is 60 km per hour overtakes a 4000 kg truck moving in same direction at 35 kilometer per hour. The truck collide and stick together. What is the initial velocity after collision? Momentum conservation. 1500 kg into 60 kilometer per hour. This is the momentum of first body plus 4000 kg into 35 kilometer
per hour. This is initial momentum of second body. दोनों के टकराने के बाद दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों के जुड़ने के बाद वहां टोटल मास हो जाएगा 5500 केजी इनटू वेलोसिटी आफ्टर द स्टिक. सॉल्व कर दीजिए. दो जीरो केजी थ्रॉल कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी वहां पर दिखने लगेगी 15 इनटू 60 प्लस 40 into 35 upon 55 kilometer per hour. Units convert करने की आवश्यकता नहीं है इस केस में. सारा डेटा किलोमीटर पर आर में दे रखा है. फाइनल आंसर भी अपने आप किलोमीटर पर आर में ही आ जाएगा. आई थिंक 24 भी एग्जैक्टली सिमिलर है 11th के. मैं 6th प्रॉब्लम पहले देखता हूं. 24th एग्जैक्टली सिमिलर है 11th के. 11th से भी सिमिलर है. उसके पहले भी कर चुके ऐसा कैसे. 6th पहले करता हूं. 1 kg ball moving with 5 meter per second collides with 2 kg ball moving in opposite direction at 4 meter per second. If coefficient of restitution is 0.7, find the velocity of 2 balls after impact. अब देखिए इसकी वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट v1 डैश कह देता हूं और इसकी वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट v2 डैश कह देता हूं. ध्यान रहे आफ्टर इंपैक्ट दोनों वेलोसिटीज को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में असाइन करा है. यदि सॉल्व करके पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाए तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में हमने असाइन कर रखा है और सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू आए मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. हम असाइन तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करेंगे. इनिशियली आफ्टर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में. आफ्टर कोलिजन मैंने इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में v1 डैश असाइन करी इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में v2 डैश. अब सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कांसेप्ट लगा ले. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मींस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.7 लिख दिया. नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन. सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज v2 डैश माइनस v1 डैश. v2 डैश माइनस v1 डैश. एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. जरा देखिए जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में दोनों वेलोसिटी एड अप हो जाएंगी. दे आर अप्रोचिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड. दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद 9 मीटर पर सेकेंड. यह कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगा दिया. अब मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट. इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4. 2 इंटू 4 2 इंटू माइनस 4 लिखना होगा. velocity opposite direction. This is initial momentum. Final momentum लिख देता हूं. 1 into v1 dash 2 into v2 dash. Finally velocity दोनों positive direction में लिख रहा हूं. अपने आप कोई opposite direction में हुई तो negative आ जाएगा. इस तरह से दो equation बना दी. अब इन्हें solve करने के लिए we have got two linear equation, two variables, two unknown. कैन इजिली सॉल्व दम. सॉल्व करने के लिए मैं कहूंगा v2 डैश माइनस v1 डैश इक्वल टू 6.9 और इधर लिखूंगा
V1 dash plus 2 V2 dash is equal to minus 3. V1 dash plus 2 V2 dash is equal to minus 3. हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 V2 dash, 3 V2 dash is equal to 3.9 or V2 dash equal to 1.3. This V2 dash. अब V1 dash निकाल दीजिए. V1 dash is from here. हाँ. 6.3 होगा. कहाँ 6.3? हाँ 6.3. बिल्कुल सही. 6.3. तो कहां पर करेक्शन कर देना चाहिए मुझको? इधर इधर 3.3 लिख देना चाहिए और इधर 1.1 लिख देना चाहिए. बिल्कुल सही, ठीक है ना. अब V2 डैश की जगह मैं लिख दूं 1.1 माइनस 6.3, 1.1 माइनस 6.3. सो V1 डैश वुड बी माइनस ऑफ, what is this, 5.2 meter per second. This is also meter per second. Solve it in this manner. Eighth problem kar deta hu fatafat. kg boy at rest on roller skates catches 0.6 kg ball moving toward him at 30 meter per second. How fast does he move backward as a result? देखिए, ये तो सिंपल है, मोमेंटम कंजर्वेशन कर देना है. 50 केजी बॉय रेस्ट पर है, बॉय का मोमेंटम 15:0. 0.6 केजी बॉल 30 मीटर पर सेकंड से उसने कैच कर लिया तो उसका टोटल मास हो गया 50.6. वेलोसिटी वी, ही वुड मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 18 upon 50.6 meters per second. इस वेलोसिटी से वहां कैच करने के बाद मूव करेगा. टेंथ प्रॉब्लम, अ 10 केजी आयरन बॉल रोलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्राइक 1 केजी वुडन बॉल ऑफ द सेम साइज दैट इज रेस्ट. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ आयरन बॉल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसफर. अब ये सिंपल प्रॉब्लम, इस तरह के सवाल हम अभी कई सारे कर चुके, दोबारा कर देता हूं. केजी बॉल, यह 10 केजी आयरन बॉल है मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स 1 केजी वुडन बॉल ऑफ सेम साइज दैट इज एट रेस्ट. वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन,
हमें इसकी वेलोसिटी v1 डैश बोल देना चाहिए, इसकी वेलोसिटी v2 डैश बोल देना चाहिए आफ्टर कोलिजन। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए कोई डेटा नहीं दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमें मानना है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ सेकेंड। अब मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 10 × 2 + 1 × 0 = 10 × v1 + 1 × v2। सॉल्व फॉर v1 एंड v2। हम v1 को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 + v1 = v2। इसको तो ऐसे कैसे लिखा रहने देते, और इधर हम लिखेंगे 2 = v1 + 1/10 × v2। 10 से डिवाइड कर दिया मैंने दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो v1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 = v2 + 1/10 × v2। सो v2 = 11/10 × v2। सो v2 = 40/11। दिस इज v2। पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू वुडन बॉल। एनर्जी ट्रांसफर्ड इज, एनर्जी ऑफ वुडन बॉल इज ½mv² 40/11 होल स्क्वायर। इतनी एनर्जी वुडन बॉल की हो गई है। इनिशियली आयरन बॉल की एनर्जी कितनी थी, ½m × v². सॉल्व इट, this much fraction of energy is transferred and